श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जुलाई 2024 के दिन है सावन का दूसरा मंगलवार, और आज हम आपको सावन के दूसरे मंगलवार के दिन करने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा और विभिन्न धार्मिक उपायों को अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। विशेष रूप से सावन का मंगलवार एक अत्यंत शुभ दिन होता है। इस दिन किए गए उपाय और पूजा से जीवन में सुख शांति समृद्धि और समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन आप लोगों को गुड़ वाला उपाय जरूर करें। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस उपाय को करना किसको है, तो देखिए, मुख्य रूप से कोशिश करें कि घर की जो बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी के द्वारा किए गए उपाय का प्रभाव शीघ्र और अधिक और जल्दी मिलता है, इस उपाय को माताएं बहनें अपने घर परिवार की सुख और शांति धन समृद्धि के लिए जरूर करें। घर में शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए घर की माताओं का इस उपाय में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आप व्यापारी और व्यवसायिक लोग जो आर्थिक समस्याओं या व्यापार में असफलता का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत लाभकारी होगा। इस उपाय के माध्यम से व्यापार में वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। यदि आप व्यापार में लाभ प्राप्त करने और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें। और अगर आप नौकरी पैसा के लिए करना चाहते हैं कि वे लोग जो अपने करियर में सफलता प्राप्त करने या नौकरी में स्थिरता के लिए प्रयासरत हैं, इस उपाय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या करियर में उन्नति की आवश्यकता है, तो इस उपाय को करके आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए भी सहायक हो सकता है। मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करें। यह उपाय न केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करता है, बल्कि मानसिक शांति भी आपके घर में लाता है। तो कहने का मतलब है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, या ही फिर वह बच्चा ही क्यों ना हो। इस उपाय में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को सही विधि से करने से सभी को लाभ प्राप्त होगा। तो अब बात करते हैं कि यह उपाय करना किस समय है। तो देखो भाई, उपाय करने का जो समय है वह सीधी सी बात है कि सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है, क्योंकि सबसे उत्तम समय प्रातः काल का ही होता है। पर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह में ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, तो भाई फिर इस उपाय को आप शाम के प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो। अब भाई, बहुत से भाई बहन ऐसे भी होंगे जो ये पूछेंगे कि भाई प्रदोष काल का समय होता कब है। तो हम आपको यहां पर यह बता दें कि प्रदोष काल जो एक समय होता है ना, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय में अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखो, प्रदोष काल का समय को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय पर किए गए उपाय भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। लेकिन अगर आप शाम के प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो भाई आप इस उपाय को रात 8 बजे तक भी किया जा सकता है। हालांकि सावन महीने के दूसरे मंगलवार के दिन बस यह प्रयास करें कि समय का मतलब थोड़ा सा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो रात 8 बजे के बाद भी उपाय करना संभव है, लेकिन दिन के समय इसे करना अधिक शुभ और प्रभावशाली होता जाता है। लेकिन यदि आप इस उपाय को केवल 30 जुलाई 2024 को ही नहीं कर पाते हैं, तो सावन के किसी भी मंगलवार के दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। वैसे तो यह उपाय विशेष रूप से सावन महीने के दूसरे मंगलवार के लिए ही है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश न कर पाओ तो इसे सावन के किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हो। पर मुख्य रूप से कोशिश करें कि घर की जो बड़ी माता बहन है उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। तो देखिए, गुड वाले उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी गुड और एक दीपक की। अब देखिए दोस्तों,
यह एक उपाय आपको 30 जुलाई 2024 सावन मंगलवार के दिन गुड़ दीपक में डालकर जला देना। अगर आपके जीवन में भी कर्ज की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, तो सावन में पड़ने वाले किसी भी मंगलवार के दिन गुण का उपाय कर लेना। गुण का उपाय आपको करोड़पति बना देगा। बस एक मंगलवार गुण का बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। तो देखिए, सावन के महीने का जो मंगलवार होता है, ये इसलिए भी इतना ज्यादा उत्तम होता है क्योंकि हनुमान जी शिव जी के ही एक अवतार हैं। वहीं सावन का जो महीना होता है, यह भगवान शिव के लिए समर्पित होता है और मंगलवार का दिन श्री राम भक्त हनुमान जी को समर्पित होता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्ज को लेकर परेशान है, जिसके सर पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, लोगों से आपको हमेशा ही पैसा उधार लेना पड़ता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, किसी ना किसी व्यक्ति से आप कर्जा लेते चले जा रहे हैं, कोशिश करते हुए भी आप लोगों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि सावन के महीने का मंगलवार ऐसा आपके जीवन में दिन लेकर आएगा कि कभी किसी से एक रुपए उधार लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मंगलवार का जो दिन होता है, यह इसलिए भी इतना ज्यादा खास है क्योंकि मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है। इस दिन माँ गौरी की पूजा हम करते हैं। जब कोई भक्त अपने जीवन के दुखों से, कर्जे की समस्याओं से बहुत परेशान हो जाए, उसे तो हमेशा मंगलवार, जो कि सावन के महीने का मंगलवार होता है, उसमें गुण का उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, यह जो गुण का उपाय है, ऐसा समझ लीजिए कि कर्जा आपके सर पर कितना भी हो, आपके सर से कर्जा हो, उतरेगा उतरेगा। और दूसरी चीज, कभी भी आपको पूरे जीवन काल में कभी किसी से पैसे उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से सावन में पड़ने वाले किसी भी मंगलवार के दिन एक बार कर लेता है, संकट मोचन हनुमान जी अपने उस भक्त के जीवन से सारे संकटों को भी दूर कर देते हैं और कर्जे की समस्याएं बिल्कुल उसके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। तो देखिए, मंगलवार का दिन वैसे भी कोई साधारण दिन नहीं होता है, क्योंकि यह संकट मोचन हनु जी का दिन होता है और सावन के महीने का मंगलवार तो अपने आप में बहुत उत्तम होता है। और इस बार आप सभी जानते हैं कि जो सावन का महीना आया है, यह बहुत ही शुभ संयोग में आया है, और उस परे भी मंगलवार के दिन आप इस उपाय को करेंगे तो ऐसा समझिए चमत्कार आपके जीवन में होगा ही होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि गुड़ का कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है और किस समय करना है। तो देखिए, मंगलवार के दिन सावन के महीने में किसी भी मंगलवार के दिन आपको एक बार यह उपाय करना है। उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है गुड़। कितना गुड़ लेना है? छोटे छोटे गुड़ के आप डले ले लें, ठीक है ना, 3 से 4 डले ले लें, 2 गुड़ के डले ले लें। छोटी छोटी डली गुड़ की जो होती हैं, साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, ठीक है ना। दीपक जो आप यहां पर लेंगे, चाहे तो आप सरसों के तेल का दीपक ले लें या फिर आप चमेली के तेल का दीपक ले लें। अगर आपने सरसों के तेल का दीपक लिया है, चाहे तो चमेली के तेल का दीपक लिया है, कोई भी दीपक आपने लिया है, उसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब ये गुड़ लेकर और साथ ही साथ दीपक लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। मंगलवार के दिन जाना किस समय है, उपाय किस समय करना है, तो यह उपाय शाम के समय का है। अगर आपके पास टाइम है ही नहीं, आप शाम में कर ही नहीं पा रहे हैं, तब ये उपाय आप सुबह में कर सकते हैं। तो मंगलवार के दिन शाम के समय में आपको संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दीपक प्रज्वलित करना है, दीपक जलाना है, भगवान राम का नाम आपको यहां पर लेना है। दीपक जलाने के बाद पूरे 21 बार या फिर 108 बार, ठीक है ना, जय श्री राम जय सीता माता, जय श्री राम जय सीता माता, इस तरह से आपको बोलना है। और फिर आपको क्या करना है, जो गुड़ आप लेकर के गए हैं, उसका भोग आपको संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है। देखिए, जब आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर बहुत परेशान है, कर्जा लोगों से ले रहे हैं, कर्जा दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन आपको गुड़ का भोग संकट मोचन हनुमान जी को जरूर लगाना चाहिए। इसी के साथ अगर आप गुड़ के साथ चना ले लेते हैं, जो भुना हुआ चना आता है, तो यह और भी उत्तम है। अगर आपके पास चना नहीं है, तो आप कोशिश करें कि गुण का भोग तो आप संकट मोचन हनुमान जी को जरूर लगाएं। तो गुण का उपाय जो भी व्यक्ति सावन के महीने में किसी भी मंगलवार के दिन कर लेता है और संकट मोचन हनुमान जी से अपनी मनोकामना कह देता है कि हे संकट मोचन हनुमान जी,
मेरे जीवन में कर्जे की समस्याएं बहुत हैं। मुझे हमेशा लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है। मैं बहुत परेशान हूं। अपने जीवन के इस कर्जे से आप मेरी इस दुविधा को दूर कर दीजिए। मेरे सर से जितना भी कर्जा है वो उतर जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। तो सच्चे मन से जो व्यक्ति सावन में पड़ने वाले मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके सर पर चाहे कितना भी कर्जा हो, थोड़े दिन के अंदर ही उसका सारा कर्जा उतर जाता है। जिन्होंने इस उपाय को किया है, उन्होंने इसका चमत्कार देखा है, उन्हें पता है, और जिन्होंने नहीं किया है, ना वो मंगलवार के दिन इस उपाय को करें और खुद इसका चमत्कार देख लें। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि कर्ज मुक्ति के लिए था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो है ये है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी मनोकामना जो अटकी हुई है पूरी ही नहीं होती है, बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, लाख कोशिश करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है, तो मंगलवार के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह दूसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको करना क्या है। मनोकामना पूर्ति के लिए मंगलवार के दिन आपको गुलाब के फूलों की एक माला लेनी है, ठीक है ना? आप चाहे तो अपने घर पर फूलों की माला बना लें, या फिर बनी बनाई आती है वह भी आप ले सकते हैं। आपको संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना है मंगलवार के दिन शाम के समय में, और यह गुलाब की फूल की माला आपको हनुमान जी को अर्पित करनी है। जो व्यक्ति संकट मोचन हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित कर देता है, सच्चे मन से अपनी मनोकामना संकट मोचन हनुमान जी से कह देता है, संकट मोचन हनुमान जी अपने उस भक्त की सारी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो देखिए कोई भी उपाय जब आप करते हैं, आपको भगवान राम का नाम जरूर लेना होता है, क्योंकि जैसे ही भगवान राम का नाम आप लेते हैं ना, संकट मोचन हनुमान जी से आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो आपके जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर करने स्वयं आ जाते हैं। तो दो उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो नजर दोस्त से पीड़ित हैं, जिन्हें नजर बहुत लगती है, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है, कोई भी काम बनता नहीं है, घर में पैसा आना बिल्कुल बंद हो चुका है, घर में सुख समृद्धि नहीं बढ़ रही है, घर में लोग इतना ज्यादा परेशान रहते हैं अपने कष्टों से, दुखों से, कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में सुख के दिन कहीं चले गए हैं। क्योंकि कभी कभी जीवन में व्यक्ति के ऐसा समय आ जाता है कि उसके पास पैसे की कमी भी होने लगती है, घर में क्लेश बढ़ने लगता है, घर में पैसा नहीं रुकता है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, दवाइयां घर में किसी ना किसी की चल रही है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, और आप बहुत से उपाय करते हैं, बहुत कुछ करके देखते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर से जो नजर दोष है वो दूर नहीं हो रही है, तो आपको सावन के महीने के मंगलवार के दिन ये तीसरा उपाय करना है। करना क्या है आपको? आपको यहां पर लेनी है फूल वाली लौंग। कितनी फूल वाली लौंग लेनी है? तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है, 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं, और ये 5 लौंग जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा नजर से पीड़ित है, जिसे सफलता नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, जो व्यक्ति बहुत परेशान है, उसके ऊपर से आपको 7 बार उतार नहीं है, और कपूर के साथ इसे आपको जला देना है, यानी कपूर के साथ रखकर इस लौंग को जला देना है, महादेव का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है, और यहां पर आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है, भगवान राम का ध्यान करना है, और यह आपको जला देनी है। मंगलवार के दिन का शाम का समय का यह उपाय है। आप चाहे तो इसे सुबह में भी कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी नजर लगी हो, किसी ने कुछ करा दिया हो घर में, कुछ भी ऐसा अगर आपके है जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा था, लोग सफल नहीं हो रहे थे, घर में आपके लोगों को नजर लग रही थी, तो जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, मंगलवार के दिन ऐसा समझिए उसकी नजर जैसी चीजें उसके जीवन से दूर हो जाती हैं, और नजर कभी लगती नहीं है, तो बहुत जल्दी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। जैसे ही इस उपाय को करने से नजर दोष आपके ऊपर से दूर होती है, तो सावन के महीने के मंगलवार के दिन किसी भी मंगलवार को यह उपाय कर लेना और इसका चमत्कार खुद देख लेना। अब देखिए आपको हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं ना, तो जयकारा लगाकर ही जाएं,
कमेंट सेक्शन में जय जय श्री राम जरूर लिख दें।